हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने इंस्टाग्राम में कुछ बड़े बड़े कलर पेंसिल आर्टिस्ट को देखा था कि वो लोग कलर पेंसिल ड्राइंग्स के लिए टोन टैन या टोन ग्रे पेपर यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ये ऑर्डर किया था टोन टैन पेपर आर्ट एसेंशियल्स का। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो इसका डिलीवरी चार्ज लेके मुझे इसका टोटल कॉस्टिंग पड़ा था 135 रुपीज़, और जो कि मुझे लगता है इसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही सही प्राइस है। अभी आते हैं कि मुझे क्या डिफरेंट लगा टोन टैन पेपर पे ड्रॉ करके। सबसे पहला तो जो डिफरेंस है वो है कि देखिए, हम लोग जब अभी व्हाइट पेपर में ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को जब भी व्हाइट हाइलाइटिंग्स दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको इरेज कर देते हैं उस जगह को। बट हम लोग ये टोन टैन पेपर पर वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बेस में व्हाइट कलर है ही नहीं। और जो सेकेंड थिंग है वो कि कलर्स को बहुत सारा लेयर करने के बाद वो कलर थोड़ा वाइब्रेंट हो रहा था, जो कि ये नॉर्मल है बिकॉज व्हाइट में तो वो व्हाइट बेस्ड रहता है तो बहुत ही इजीली कलर दिख जाता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा 2-3 लेयर करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको कलर अच्छे से मतलब अच्छा पिगमेंट आता है। एंड नेक्स्ट आते हैं जो कि ब्लेंडिंग। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए वाइट कलर पेंसिल यूज़ की हूँ। एंड यू नो जो ब्लेंडिंग है ना यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मतलब मैंने उतना मेहनत किया भी नहीं इस ड्राइंग को बनाने के लिए। मैं एक सकुलेंट ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे कलर पेंसिल से, बट ये जो रिज़ल्ट है ना बहुत ही रियलिस्टिक रिज़ल्ट आया है इसका। बट एक चीज़ है कि मेरा हाथ बहुत दुख है। मैं इस पूरे ड्राइंग को करते करते बस यही सोच रही थी कि मैं इस पे सेकेंड टाइम कलर पेंसिल ड्राइंग तो नहीं बनाने वाली, मतलब टोन टैन पेपर पे। बट मैं इस पे अभी ट्राई करना चाहती हूँ ऑयल पेस्टल कलर, बिकॉज मैं यहाँ पे जो वाइट कलर यूज़ कर रही थी ऑयल पेस्टल का, वो बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट सा लुक आ रहा था। सो दैट्स वाई मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके ऊपर ऑयल पेस्टल कलर करने के लिए। एंड नेक्स्ट मुझे इस पे ट्राई करना है चारकोल एंड शेडिंग पेंसिल, बिकॉज इस पेज के ऊपर में लिखा था कि ये स्पेशली चारकोल एंड ऑयल पेस्टल्स के लिए है। सो दैट्स वाई होपफुली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो वीडियो देखने के लिए। तो अभी बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कलर्स यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेवी ब्लू, ओशन ब्लू, रॉयल ब्लू, मजेंडा एंड थोड़ा सा डार्क एरियाज़ में मैंने वायलेट आता है वो वाला यूज़ किया। एंड थोड़ा सा कहीं कहीं पे लाइटनिंग करने के लिए मैंने क्या किया, ऑयल पेस्टल का थोड़ा वाइट कलर करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया तो वो जगह वाइट हो गया थोड़ा मतलब। और ग्रीन भी यूज़ किया मैंने। ओवरऑल मैं बोलने जाऊँ तो इस पेज पे ड्रॉ करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड कुछ नया हुआ, मतलब कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हुआ। एंड जो अल्टीमेट ड्राइंग बना मेरा, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पर 3D है, मतलब उसे उभर के आ रहा था। सो दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी। एंड ये बहुत ही एक अच्छा पेपर है, बहुत ही क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा बिकॉज कुछ नया करना बनता है गाइस। एंड मैं ऐसे और भी कई तरह के नए नए टाइप के पेपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएगा मुझे कि मैं कौन सा ऐसा नया नया पेपर में ड्रॉ कर सकती हूँ। आपको वो सब वीडियो देखना है एंड ये भी बताएगा कि नेक्स्ट में इसके ऊपर क्या ड्राइंग बनाऊँ। ओके, सो हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको मेरा ड्राइंग अच्छा लगा होगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।